मीडिया के खिलाफ एनसीपी का फूटा गुस्सा, महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ अफवाह फैलाने का आरोप। हिंदी चैनलों के खिलाफ एनसीपी ने मोर्चा खोल दिया है। इस सिलसिले में आज पनवेल एनसीपी ने तहसीलदार कार्यालय में जाकर अधिकारी को हिंदी चैनलों के खिलाफ ज्ञापन सौंपा। उनका कहना था कि हिंदी चैनल महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र पुलिस और महाराष्ट्र प्रशासन के खिलाफ अफवाहें फैला रहे हैं, जिस पर रोक लगनी चाहिए। सरकार को ऐसे चैनलों पर लगाम लगानी चाहिए ताकि राज्य की बदनामी रोकी जा सके। चैनलों को खुद चाहिए कि वह किसी के भी खिलाफ बिना तथ्यों के खबर ना चलाएं। महाराष्ट्र की जनता, महाराष्ट्र की सरकार और महाराष्ट्र की पुलिस को बदनाम करने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक हिंदी मीडिया कमर कस लिया है। खुद को कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट समझ करके इस तरह से बदनामी कर रहे हैं, जिसको हम जिसके लिए उसके खिलाफ विवश होकर के हमें यह तहसीलदार कार्यालय में आकर ज्ञापन देना पड़ रहा है कि आप केंद्र के रिप्रेजेंटेटिव हैं और केंद्र को, सूचना मंत्रालय को सूचित करिए कि इसमें कुछ नियम बनाया जाए, कुछ कानून बनाया जाए, कुछ संशोधन किया जाए, ताकि कोई भी चैनल किसी खास सरकार को, किसी प्रदेश के खास पुलिस को, किसी प्रदेश के खास जनता को इस तरह से अपमानित न कर सके। अगर इस तरह से अपमानित करते रहेंगे तो हमें विवश होकर के अगला कार्यक्रम भी उठाने के लिए विवश होना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।